नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल अमित सैनी पर। तो आपको हम आज सेकंड टॉपिक बताने जा रहे हैं इंटर्नशिप फाइल का, जो है पूर्व ज्ञान, छात्रों का पूर्व ज्ञान। पहला टॉपिक हमने आपको बता दिया है, वो आप वीडियो देख सकते हैं और लिंक हम दे देंगे इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी देख सकते हैं पहला वीडियो, वहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, आपको जैसे कि पहले भी बताया गया है कि आपको कोई भी पीडीएफ फाइल चाहिए इनकी, जो हमारे नोट्स हैं जो हमने फाइल बनाई है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड कर दीजिए, हम आपको पीडीएफ फाइल सेंड कर देंगे। जिस टॉपिक की भी चाहिए आपको, जो भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो वो हम क्लियर कर देंगे। तो छात्रों का पूर्व ज्ञान करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की आवश्यकता थी, जो कि हमने छात्रों, हम गए हैं कॉलेज में तो हमने कुछ ना कुछ पढ़ाया है, तो उनसे हमें पता चलता है कि छात्रों को क्या आता है क्या नहीं आता है, उसके बारे में हमें इस फाइल में इसमें लिखना पड़ता है, वही हम इसमें लिखते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। पहले हमें जानने के लिए छात्रों से हमें कुछ प्रश्न उत्तर करने पड़ते हैं, जिससे कि पता चलता है कि छात्रों ने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, वहाँ के टीचर्स ने क्या क्या पढ़ाया है क्या क्या नहीं पढ़ाया है। तो आइए, हमने जो हमने अनुभव वहाँ पर किया है उसे ही हम इसमें लिखते हैं। जैसे कि हम लोग कक्षा 5 के छात्रों का पूर्व ज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, तो प्राथमिक विद्यालय जो भी आपका सिकंदरपुर मुरादाबाद में, हमारा परिवेश में बच्चों के पूर्ण ज्ञान का अध्ययन किया, बच्चों का पूर्व ज्ञान सामान्य था। कुछ बच्चों ने प्रश्न को उत्तर ठीक दिए, कुछ ने नहीं दिए और कुछ के बिल्कुल जवाब ही नहीं दे पाए। इस तरीके से हमें बताया, जैसे कि हमने दिनांक डाल देंगे, आप कुछ भी डाल देंगे जो जो आपने जिस दिन आपने प्रक्रिया की है। जैसे कि हमने सामान्य प्रश्न पूछे, कक्षा 5 के आकाश में क्या चमकता है जिससे दिन में प्रकाश होता है, बच्चों ने बता दिया सूर्य। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है, सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाता है, छात्र को कुछ पता नहीं होता, छात्र ने उत्तर है। इसलिए हम इसी प्रकार से कक्षा 4 के बच्चों से पूछा, और इसी प्रकार से हमने कक्षा 3 के बच्चों से, कक्षा 2 के बच्चों से, कक्षा 1 के बच्चों से, तो सभी से हम इसी प्रकार से पूछेंगे, और जो हम पूछेंगे वही हम इसमें लिखेंगे, कुछ अपने पास से नहीं लिखेंगे, जिससे कि कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम उसे कर सकें। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो तो पसंद आया ही होगा, आया होगा तो आप ज़रूरी सब्सक्राइब करेंगे, और सब्सक्राइब ना भी करेंगे तो कोई बात नहीं है, हम आप वीडियो किसी पर्पज़ से नहीं बना रहे हैं, आपके ज्ञान देने के लिए बना रहे हैं, जिससे कि आपको कुछ हमारी बात को प्राप्त करें और कुछ उसका आपको फ़ायदा मिले। हम किसी पर्पज़ से नहीं बना रहे हैं कि हमें कुछ मिले, क्या हमें लोग फेमस होने के लिए कुछ सब्सक्राइब करें या लाइक करें, वीडियो शेयर करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम तो बस ये चाहते हैं कि अपने जो ज्ञान है दूसरों को दें। उम्मीद है वीडियो संतोषजनक रहा होगा, आपको पसंद आएगा।